हक है हमारा कि हम दूसरों तक कराएं, मतलब इस वक्त जो है इफ्तारी का हमारा टाइम था तो हमने अपनी टीम के जरिए से इफ्तारी लोगों को करवाई। हमारा बेसिक जो हक है वो हमने अदा किया। और जो जब तक जहां तक हमारी टीम की बात है, हमारी टीम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम खुद ही स्टूडेंट से कलेक्टली मिलके हम एक डोनेशन जमा करते हैं, तो उसी का मतलब वो यूज हम करते हैं और तो डोनेशन ड्राइव हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहले आपने सिर्फ किट्स आज प्रोवाइड हुई है? ऑलमोस्ट हमारा 150-200 से किट्स तो हमने प्रोवाइड की थी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने 200 से पार की है। और जो हमारा ये था ये इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा 350 से ऊपर गया। हमारा रिसेंटली श्रीनगर में हुआ और गांधरबल में हुआ, अब हमारा इंशाल्लाह कल नेक्स्ट संडे को है क्लाउस में और हमारा अगले संडे इंशाल्लाह बड़गाम में। सब आपसे सवाल होगा कि टीम रेड की एक स्पेसिफाइड विंग है जिसका नाम है विंग ऑफ इन्वेंट्री एंड सर्विस, तो उसमें हमारे जो सर्वे की टीम है या जो रेकी करती है ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करती है उनको बेहद नीड है। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ बहुत ज्यादा नीड है यहाँ। हम अपनी लेवल पे छोटे लेवल पे क्योंकि मैंने आपको बोला हमारी एक्सपर्टिस नहीं है तो हम अपने लेवल पर जितना कुछ कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, लेकिन मैं और भी लोगों से बोलना चाहूंगा चाहे जो बिजनेस फैमिली से हैं या जो अर्न कर रहे हैं कि आप एक बार देखिए गरीब तबके में अपने लोकैलिटीज में अपनी अपने लेवल पर ही आप सोशल वर्क अगर करेंगे किसकी हेल्प करेंगे तो उससे बढ़कर कुछ मेडिकल कैंप ईद के बाद इंशाल्लाह हम हमा में एक मेडिकल कैंप करने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी भी इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी टीम पूरी लग जाएगी करने में इंशाल्लाह। तो ईद आने वाली है, एक हफ्ता पहले हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन आइडेंटिफाइड फैमिलीज में जिनको हम पहले एक महीना पहले हम देखते हैं कि किसको नीड है, किसको बिल्कुल जरूरत है राशन की, किसके घर में राशन की किल्लत है, तो वो फैमिलीज हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम ईद से एक हफ्ता पहले प्रोवाइड करते हैं। शुक्रिया। Go, 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 go.